बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, आपकी जो धन की मुश्किलें हैं वो दूर हो रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूती आती दिख रही है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपके परिवार में, आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, काफी मेहनत, काफी व्यस्तता दिख रही है, ऐसे में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय कोई भी काम करें, अपने बड़ों की सलाह लेकर के अगर काम करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी इस समय बढ़ सकती है, दौड़ भाग बढ़ने की संभावना दिख रही है। करियर की दशा भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कृपा करके क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वरना क्रोध में बने बनाए काम आपके खराब हो जाएंगे। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने के संकेत आपके लिए समय बने हुए हैं, यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी, घर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, इस समय आपके पैसे रुपए का खर्च थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है, परिवार में बेवजह के विवाद दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो यात्रा करिए ही मत, लेकिन अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तुला राशि, धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर हो रही हैं और इस समय आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े पद के प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस समय अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा, लेकिन काम को करने के लिए व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, काफी व्यस्तता रहने वाली है। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय न लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत उतना फायदा। धनु राशि, करियर में छोटे मोटे बदलाव होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, संपत्ति से संबंधित समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है, ऐसा लग रहा है। नौकरी के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुडलक बढ़े, तो आप हरे फल का दान कीजिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य कम है। कुंभ राशि, करियर के मामलों में सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा मरून, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है, लेकिन परिवार में बेवजह के वाद विवादों से बचाव करें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिख रहा है।